हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी झटपट बनकर तैयार होने वाली चिकन आलू कटलेट होने वाले हैं। चिकन के साथ साथ आलू, अंडा और ब्रेड भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस टेस्टी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे हमें एक बाउल ले लेना है और दो बड़े साइज़ के बॉईल किए हुए आलू ग्रेट कर ले लेना है। अब हम और चीज़ें आलू के अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो अंडे उबालकर ग्रेट कर लिया है और एक बड़ी प्याज, एक मुट्ठी कोतिमीर, इसके साथ ही दो हरी मिर्च बारीक कर लिया हुआ है। अब हम इसमें चिकन को ऐड कर लेंगे। हमने 200 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को बॉईल कर नमक के साथ में ग्रेट कर लिया है। चिकन ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। नमक के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे चौथाई चम्मच काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्च लेने के बाद आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इन सब को अच्छे से मिक्स कर ले। चम्मच से अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम हाथों से भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर फ्लेवर मसाले का आलू में और चिकन में चला जाए। अब 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देने के लिए बाजू में रख देंगे। अब हम कटलेट बनाने की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर ले और थोड़ा सा पोषण लेके कटलेट का शेप दे दे। आप इस तरीके से शेप देना चाहते हो तो इस तरीके से दे, नहीं तो आपकी पसंद से कौन सा भी कटलेट का शेप दे सकते हैं। अच्छे से शेप देकर हम सारे कटलेट को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ पर सारे ही कटलेट बनाकर तैयार कर चुके हैं। 200 ग्राम चिकन से आप 10 से 15 कटलेट बना सकते हैं। आप इस टेस्टी कटलेट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा। आप सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो अक्सा विद किचन को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो पहले शुरू आप तक पहुँचे। तो चलिए अब आगे की स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिया है और एक अंडा तोड़कर थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे अंडे में और अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से मिक्स कर ले अंडे को अच्छे से। अंडा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक कटलेट को उठाकर अंडे में डिप कर लेंगे। अंडे में अच्छे से हल्के हाथों से पकड़कर डिप कर ले और दूसरे हाथों से कटलेट के ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर ले। अच्छे से अलट पलट करके पूरे तरफ से हमें ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगा लेना है। इसी तरीके से अंडे में डिप करते जाए और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर ले। सारे कटलेट को हमें ऐसे ही कर तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं कटलेट को फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर हमें तेल को गर्म होने देना है और एक एक कर कटलेट को तेल में ऐड कर लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखें। जितनी जगह हो उतने कटलेट आप तेल में ऐड कर ले। मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए कटलेट को फ्राई होने दे। एक साइड से फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कटलेट को दूसरी साइड से पलट देंगे और 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे।
अच्छा सा कलर आ चुका है कटलेट के ऊपर। दोनों साइड से 5-5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम कटलेट को निकाल लेंगे। उसके लिए हमें टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर कटलेट को निकाल लेंगे एक एक करके, ताकि जो भी ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। एक एक कर हम कटलेट को निकाल लेंगे और बाकी के कटलेट भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे ही कटलेट को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इन कटलेट को टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। सारे ही कटलेट हमारे बनकर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करने जाएंगे। आप इसे टोमेटो केचप के साथ या मेयोनीज के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। आप इस रेसिपी को इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। अंदर से एकदम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले ये कटलेट आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।